गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर जो है 4 वो कंप्लीट हो गया था. सो आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे. 3 डिजिट नंबर्स मीन 3 डिजिट यानी 3 अक्षर के जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 1 से लेकर 99 तक जो नंबर्स थी, जो टेबल, जो काउंटिंग थी वो सीखी थी. अब उसके आगे जैसे 1 से लेकर 99 तक जो नंबर्स जितने भी होते हैं वो 1 और 2 डिजिट के ही होते हैं. देन 99 के बाद में जो नंबर आता है वो होता है 100. इट्स मीन ये जो नंबर होता है वो होता है 3 डिजिट का. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इन्हीं 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो 99 तक लास्ट क्लास में आपने जो काउंटिंग है वो सीखी थी. उसके आगे जो है वो काउंट 99 के आगे जो काउंटिंग होती है वो होती है 100 जो होता है वो लिखा जाता है 100. ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर इसको नंबर नेम में अगर बोलें तो इसको बोलेंगे onE1HUNDRED 100. 100 में स्टूडेंट 3 डिजिट होते हैं. काउंट करते हैं जैसे 1 2 3. 3 डिजिट हुए ना स्टूडेंट्स, पहला डिजिट, दूसरा एंड तीसरा. ओके, एंड जो सबसे बड़ी बात है इनमें जो पैलेस वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देती हूँ. जो सबसे पहला ये जो पैलेस होता है इसको बोलते हैं वंस पैलेस. देन टेंस पैलेस. टेंस पैलेस तक की अकाउंटिंग आपने लास्ट क्लास में सीखी है. एंड जो टेंस के बाद में होता है ये वाला जो पैलेस, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स पैलेस. एज लाइक जैसे आपको नीचे टेबल में शो हो रहा है वंस टेंस हंड्रेड. ओके, सो 100 में 0 वंस होते हैं स्टूडेंट्स, 0 ही टेंस होते हैं, एंड 100 जो होता है वो होता है 1. ओके स्टूडेंट्स, सो चलते हैं अब हमारी काउंटिंग. आज के क्लास में हम जो 199 तक लास्ट क्लास में हमने काउंटिंग सीखी थी, 100 में आपको बता चुकी हूँ. अब हम 100 से आगे जो काउंटिंग है वो इस क्लास में सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर्स फ्रॉम 101 से लेकर 200 तक. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये काउंटिंग बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी. तो 101 के बाद में 102 103 104 105 106 107 108 109 and 110. स्टूडेंट्स, जैसे आपने पहले 1 2 3 4 जो काउंटिंग जो सीखी है 1 से लेकर 99 तक, आपको एज इट इज़ उन काउंटिंग में बस 100 जो है वो साथ में ऐड करते जाना है. जैसे 101 देन 102 देन 103 एज लाइक आपको ये जो काउंटिंग है वो कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये 101 से लेकर 200 तक जो काउंटिंग है आज, इन सारे बॉक्सेस को कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रहेगा लास्ट. जैसे आपने 200 तक काउंटिंग को कंप्लीट कर लिया था, अब हम बात करेंगे 201 से 300 तक. 201 से 300 तक. सो ये भी एज लाइक स्टूडेंट्स वो एज लाइक वैसे ही रहेगी जैसे कि हमने 101 102 103 लिखे थे. एज लाइक आपको इसमें क्या करना है, 201 202 203 204 205 206 207, एज लाइक आपको ये जो सारी काउंटिंग जो है वो आगे 300 तक कंप्लीट करनी है. सारी काउंटिंग में आपको इसमें आगे 101 से वाली काउंटिंग में आपने 100 आगे पुटअप किया था, एंड 201 से लेके 300 वाली काउंटिंग में आपको 200 जो है वो आगे पुटअप करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने 101 से लेके 300 तक जो काउंटिंग है वो सीखी है. ओके स्टूडेंट्स, सो आप ये सारी काउंटिंग्स, ये जो सारे बॉक्सेस हैं इनको फिलअप करोगे, इन सारी काउंटिंग्स को लर्न करोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे.